देहात कोतवाली थाना पुलिस ने ढाबा पर फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बीते दिन सूर्य ढाबा पर खाना खाने के पैसे मांगने पर आरोपियों ने ढाबा कर्मचारी पर फायरिंग की थी। फायरिंग कर इलाके में दहशत फैलाने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे। फायरिंग व मारपीट की घटना CCTV कैमरे में भी कैद हुई थी। वीडियो के आधार पर आरोपियों को पकड़ा गया है। देहात कोतवाली थाना पुलिस ने पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आरोपियों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई कर आरोपियों को पकड़ा है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ धारा 307 व एक आरोपी पर रासुका की कार्रवाई के उपरांत जेल भेजा है। देहात कोतवाली थाना प्रभारी सुधीर सिंह कुशवाहा ने इस घटना के बाद इलाके में स्थित सभी ढाबे व होटलों पर गश्त बढ़ा दिया है। 3-4 दिन पूर्व सूर्या ढाबा पे 5 लोग खाना खाने गए थे। खाना खाने के बाद में ढाबा संचालक द्वारा उनसे पैसे मांगे गए खाने के। इन्होंने पैसे देने से मना किया, झगड़ा करने लगे। झगड़े के दौरान इन्होंने जान से मारने की नीयत पर ढाबा संचालक पर फायर किया करते थे। इसके बाद में 307 का मुकदमा कायम किया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा इनके खिलाफ कड़ी और तुरंत कार्रवाई करने हेतु बताया गया। उस पर से NSA का प्रतिवेदन बनाकर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को भेजा गया। वहां से श्रीमान कलेक्टर महोदय के पास गया। श्रीमान कलेक्टर महोदय द्वारा एक आरोपी के खिलाफ NSA का वारंट जारी किया। उस वारंट पे से उसको केंद्रीय जेल ग्वालियर निरुद्ध किया गया। उसके खिलाफ करीबन 20 मुकदमे हत्या के प्रयास, डकैती और लूट के कायम है। बाकी के जो 4 आरोपी हैं वो आपराधिक प्रवृत्ति के नहीं पाए गए, इसलिए उनके खिलाफ 307 में जेल भेजा गया। सभी आरोपी इसमें गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एक व्यक्ति के विरुद्ध NSA की कार्रवाई की गई है।